मैंटेनेंस ऑफ फेसिलिटीज हम मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं और हम इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि फिजिकल डायमेंशन जो है उसका एक अहम हिस्सा जो है वो मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज है हमने इससे पहले भी मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज की बात की है आइए देखते हैं कि और दीगर तरीकों से हम फैसिलिटीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं इमरजेंसी रिपेयर्स इमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं इनकी ज़रूरत तब पेश आती है जब कोई मेजर ब्रेक डाउन हो जाता है वेन देर इज अ मेजर ब्रेक डाउन ऑफ एनी फैसिलिटी इन द स्कूल और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इट रिक्वायर्स इमरजेंसी रिपेयर्स और आमतौर पर यह वहाँ होता है जहाँ पर मेंटेनेंस कल्चर जो है वो कम है एमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं इनकी कम से कम ज़रूरत पेश आनी चाहिए बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ बैड मेंटेनेंस कल्चर इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दी गई सहूलियात जो हैं स्कूल में उनको प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं किया है आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल नहीं किया आपने रूटीन मेंटेनेंस का इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से नौबत इमरजेंसी रिपेयर्स के ऊपर आ गई है तो इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप अपना एकेडेमिक कैलेंडर बनाते हैं स्कूल का तो उसमें आप प्रिवेंटिव मैंटेन्स और रूटीन मेंटेनेंस को ज़रूर शामिल करें क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बात एमरजेंसी रिपेयर्स के ऊपर आ जाएगी और एमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है क्योंकि यू डू नॉट नो वॉट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज अगर आपको ये बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो उसको फौरी तवज्जो दें और उसका फौरी हल तलाश करें वरना द कंप्यूटर कैन क्रैश और अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाता है यू नॉट ओनली लूज डेटा बट यू आर एट रिस्क टू लूज द इंटायर मशीन सो प्लीज मेक श्योर दैट सच कंडीशन डू नॉट अपियर इन योर स्कूल सिनेरियो बिकॉज देन इट कैन लीड टू फर्दर फाइनेंशियल लॉस इमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं इन ये ना हो तो बहुत बेहतर है इसका मतलब यह है कि आपका जो स्कूल का सिस्टम है वो इंतहाई एफिशिएंट है जिसमें रूटीन रिपेयर्स भी हो रही हैं और उसके साथ साथ इनको अवॉइड भी किया जा रहा है इसमें एक और चीज बेहद ज़रूरी है कि क्या आपके पास कोई इमरजेंसी टीम है जो फॉरी एक्शन में आ सकती है अगर कोई इमरजेंसी रिपेयर की गुंजाइश निकल रही है आप चाहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कर लें या रूटीन मेंटेनेंस भी कर लें एक बात सामने है वो ये कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई भी फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बात इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि एकदम इमरजेंसी रिपेयर की जरूरत पड़ जाती है जिसको आप फोर्सी नहीं कर रहे होते तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपके पास जो है एक रेडी लिस्ट ऑफ मेंबर्स हो जिनको आप फौरी तौर पर कॉल कर सकते हैं जिनको आप फौरन एक एसओएस कॉल दे सकते हैं जो फॉरन आए और फॉरन रिपेयर करें क्योंकि आमतौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर क्लासरूम में लाइट नहीं है एंड देर आर डार्क कंडीशन इन साइड द क्लास रूम देन ऑफकोर्स यू कैन नॉट टीच प्रोपरली इन द क्लासरूम सिमिलरली अगर लेबोरेटरीज में या आर्ट रूम में मेजर फैसिलिटीज का लॉस हो जाता है तो वहां पर टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है सो इन ऑर्डर टू अवॉइड अवॉयड ब्रेक डाउन यू हैव प्रिवेंटिव एंड रूटीन मेंटेनेंस एमरजेंसी जो है एमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं, उनकी आप कम से कम जो है वो आपको जरूरत पेश आनी चाहिए इसके अलावा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो है ये भी बेहद जरूरी है इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्कूल में जो आपको आने वाली जो मुश्किल हैं उनसे आगाह कर रहा है फॉर एग्जाम्पल थ्रू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप ये जान जाते हैं कि आपके इतने कंप्यूटर्स में वायरस है और आपने उसको रिमूव करना है तो so ये जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है ये भी बेहद ज़रूरी होती है और इसको भी प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो जरूरी है प्रॉपर आपके पास टीम्स होनी चाहिए ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर्स जो कि आपके स्कूल में मौजूद हों और स्कूल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जितना बड़ा होगा और मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज जो हैं याद रखें उतनी ही चैलेंजिंग हो सकती हैं इसलिए क्योंकि जाहिर है जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं और उनकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है तो प्लीज़ कि आपके जो स्कूल हेड हैं जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो प्रॉपरली जो है लाइंड अप है टू हैंडल सच फैसिलिटीज इन द क्लासरूम एंड ऑल्सो इन द स्कूल इसके अलावा ये चीज भी आपको देखनी चाहिए कि आपका जो सिस्टम्स हैं, आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो उनका एज ब्रैकेट कितना जा रहा है अगर फैसिलिटीज जो हैं, इफ दे आर गेटिंग ओल्ड प्लीज थिंक ऑफ आइदर रिपेयरिंग दैम प्रीमेच्योरली और रिमूविंग दैम एंड रिप्लेसिंग दैम सो दैट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस डू नॉट ब्रेक डाउन दैट रिक्वायर्स एन एफिशेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट रिक्वायर्स एन एफिशियंट वर्किंग कंडीशन विद इन द स्कूल और अगर ये होता है तो फिर एक जो है स्मूथ फ्लो ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कंडीशन होता है क्योंकि इस चीज का ध्यान रखें कि सिर्फ क्लास रूम टीचिंग नहीं हो रही है जब आप एक स्कूल की बात कर रहे हैं और जब आप एक फिजिकल डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो आप बहुत से क्लास रूम्स की बात कर रहे हैं इसके अलावा आप प्ले ग्राउंड की लेबोरेटरीज की कंप्यूटर रूम्स की आर्ट रूम्स की म्यूजिक रूम्स की इन सब फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं जिसमें जो मैनेजमेंट है ये बेहद जरूरी है